पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने किया प्रदर्शन। जनपद अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद अमरोहा के हसनपुर में भैंसा बुग्गी पर बाइक को रखकर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध जताते हुए सरकार से मांग की। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, उनको वापस लिया जाए। बढ़ते दामों को लेकर किसान परेशान हैं और उज्ज्वल योजना के तहत गरीब लोगों को जो सिलेंडर मिले हैं वह गैस पर दाम बढ़ने की वजह से शोपीस बने हुए हैं। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए किए जाएं। इतना ही नहीं, मंत्री कमाल अख्तर ने भैंसा बुग्गी पर बाइक को रखकर नगर में घुमाया, जिससे कि जनता को पता चले कि कितनी त्रस्त जनता है जो बाइक में पेट्रोल डालने के लिए नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। बीजेपी सरकार में जनता परेशान है। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो बिंदु था महंगाई, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस उसके दामों को कम करना, वो उनकी प्राथमिकता थी और जनता के बीच में जाके इसी नाम पर उन लोगों ने वोट लिया था। लेकिन 6 साल के मोदी जी के काल के अंदर जब इंटरनेशनल लेवल पर सबसे कम कच्चे तेल की दाम हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या दूसरे प्रांतों की सरकार हो, उस सब सरकारों ने इतना भारी टैक्स लगाया है कि आज इतिहास में दिल्ली में कल पहली बार पेट्रोल डीजल से महंगा, डीजल पेट्रोल से महंगा बिका है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना चाहिए। जो रसोई गैस, वो रसोई गैस एक उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने चलाई थी और जिसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया था, गरीबों को सिलेंडर दिए थे, लेकिन आज कहीं पर भी जाकर देख लो वो सिलेंडर इसलिए 900 रुपये का लेने की उनकी क्षमता नहीं है, इसलिए घरों के अंदर वो प्रतीक चिन्ह बन के रखे हुए हैं कि लोगों के, गरीब आदमियों के पास गैस लेने के लिए पैसा नहीं है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि गैस सिलेंडर 400 रुपये का किया जाए और उसके जो अतिरिक्त खर्च है उसका वहन सरकार करे, जिससे गरीब आदमी की रसोई चल सके। हम लोगों की मांग है तत्काल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल जब महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगी होती है, जिससे जो ढुलाई बढ़ती है, ढुलाई की बढ़ने की वजह से हर महंगी होती है। आज किसानों की जितनी भी इस लॉकडाउन के अंदर जितनी रकम थी वो सब डीजल खरीद कर सिंचाई करने के काम में किसानों ने लगा दी है। उनके सामने भुखमरी का आलम है, भुखमरी के कागार पर है। मेरी हम लोगों से सिर्फ यही कहना है कि तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे वापस ले, और नहीं तो जनता सड़कों पर निकलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ होगा।